भो, वे भो नमो नम नम महाबन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यना गौर तु नम हे कृष्ण कूणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपी सह का कांतो श्री राधा कांत श्रीराधाकांत नमस्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमा हरि प्रिय बृंदाई तुसीदेवी प्रियाय केशवस् कृष्ण भक्ति देवी, देवी सत्यवत नमो नम श्री कृष्ण प्रभु प्रभुनितानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदी बोलो हरी कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरी हरी हरे राम हरे राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्य लीला प्रभुष्व विष्णु पाद अष्टोद श्री श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों कवल में अनंत कोटि अनंतोटिशास्त्रांग धन्यवत प्रणाम करता हूँ तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितिलीला पर विष्णु विष्णु पादोत्तर सद श्री श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जथाजी को प्रणाम हरे कृष्ण हाँ किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया ये प्रभुपाद और उनका भक्तों को अंतर में क्वेश्चन और आंसर है प्रभुपात को भक्तों ने अलग अलग समय बहुत बहुत प्रश्न किया है उन्होंने क्या उत्तर दिया है ये ग्रंथ वह ग्रंथ है किसने प्रश्न किया है भगवान जिनको पैसा दिए हैं, जिनको पास में ठाकुर जी कृपा करके अर्थ दिए हैं, वो तो गृहस्थ हो नहीं तो मठवासी हो उनको क्या करनी चाहिए भले जो पैसा है वो पैसा को लक्ष्मी कहते हैं और लक्ष्मी भगवान की ठाकुर जी की है अगर ठाकुर ने हमें दिए हैं फिर क्या करनी चाहिए वो पैसा से भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए तो किसने प्रश्न किया अगर भगवान ने पैसा दिया लेकिन वो पैसा को कंजूसी करता है, है? उसको ठाकुर जी गुरु वैष्णव सेवा में नहीं लगाते हैं किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया क्या उसमें अपराध होता है किसका प्रश्न यह है क्या उसकी अपराध होता है तब तो प्रभुपाद कहते देखो जगत गुरु श्रील जीव गोस्वामी प्रभु भक्ति संदर्भ बलिया छेन संपत्ति मंतो गृहस्था जैसे हम तू अर्चन मार्ग एवं मुख्य भक्ति संदर्भ में से जीव गोस्वामी बताए कहते एक अर्चन मार्ग है अर्चन मार्ग मतलब होता है और एक भाव मार्ग दो मार्ग में भगवान की सेवा होता है अर्चन मार्ग मतलब है जैसे पैसा है पैसा को क्या करनी चाहिए उसको सदप्रयोग करनी चाहिए इसमें भगवत सेवा में भक्तों की सेवा में लगाने पर ये पैसा सदप्रयोग है जैसे घर में ठाकुर जी है ठाकुर को पूजा सेवा करो ठीक से सवेरे उठ करके ठाकुर को जैसे आरती करते हैं आरती करो तुलसी परिक्रमा करो ठाकुर जी को दूध दही से ठाकुर जी को स्नान कराओ और भगवान जो पैसा दिए हैं वो पैसा क्या करो भगवान को अच्छे अच्छे चीज़ भगवान को भोग लगाओ जैसे कोई सीजन आ जैसे आम का सीजी ने आ गया है जैसे हमारी मन में इच्छा होता है ना जैसे कोई नया फल आए हम भी खाएं इसलिए कहते हैं जरूर ठाकुर जी के लिए भी थोड़ा सी अगर ज़्यादा अगर नहीं ला पाए ज़्यादा पैसा आए कम से कम ठाकुर जी के लिए थोड़ा ला क्योंकि दुनिया को ठाकुर ने बनाया है दुनिया उनकी जब हम उनकी सेवा करेंगे ना फिर क्या होगा जो लक्ष्मी है वो प्रसन्न होती है और वो लक्ष्मी हमें आशीर्वाद देती है इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो संपत्ति मतो गृहस्था दशाम तो अर्चन मार्ग व मुख्य इसलिए एक होता है भाव मार्ग भाव मार्ग मतलब क्या है जैसे पहले रघुनाथ दास गोस्वामी थे है? रूपो गोस्वामी सनातन गोस्वामी वो कहाँ रहते थे वो तो जंगल में रहते थे mm, हाँ किसी पेड़ को नीचे कभी रह जाते थे कभी कोई छोटी सी कुटिया बना करके के उसको नीचे रहते थे अभी तो ठाकुर जैसे घर में ठाकुर जी हैं कहते गृहस्थ लोग जैसे सनातन गोस्वामी के पास में मदन मोहन थे लास्ट में उन्होंने गृहस्थ को, को, को दे दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी पास में राधा रमन थे लास्ट में उन्होंने गृहस्थ को दे दिया श्री माधवेंद्रपुरी पाद गो पास में गोपाल जी श्रीनाथ जी थे उनने क्या किया वो ठाकुर जी को उन्होंने गृहस्थ को दे दिया बोले क्यों बोले ठाकुर को जब सेवा पूजा है जैसे टाइम से जगाओ ठाकुर को स्नान कराओ ठाकुर जी को भोग लगाओ नियम है तीन चार बार ठाकुर जी को भोग लगानी चाहिए जैसे हम खाते हैं लेकिन जो संत हो तो किसी घर में कभी रोटी तो मांग कर ले आए ने तो थोड़ा चून मांग के लाए पानी में घोल करके कर पी लिया बस दिन रात हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इसलिए इनके लिए अर्चन करना कठिन है ठाकुर को रख करके पूजा करना कठिन है इसलिए महाप्रु रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या बोले ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस से करि जिनको साधु संत त्यागी है जिनको साधारण रूप में रहते हैं उनको क्या करनी चाहिए प्रजय राधा कृष्ण सेवा मानस कर भी वो मानस के रूप में ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए लेकिन उनको मानस की सेवा भी बहुत ऊंचा है बहुत ऊंचा है एक समय क्या हुआ है एक एक स्टोरी सुन लो एक कोई गरीब ब्राह्मण रहता था लेकिन भाव बहुत अच्छी है सोचता था अगर मेरे को ठाकुर जी पैसा देते हम ठाकुर को सेब खूब सेवा पूजा करता लेकिन गरीब ब्राह्मण है एक समय कहीं उन्होंने सत्संग सुने सत्संग जब सुने वहां पर बताया भगवान को मानस के रूप में भी ठाकुर को सेवा कर सकता हूं सुनकर तो बड़ा खुश हो गया हाँ मनमन -मन में भी ठाकुर का सेवा कर सकते हैं तो उसने क्या किया रोज बैठी करके ठाकुर के सामने मन मन में सुंदर मंदिर बनाता है मन मन में सुंदर ठाकुर जी को लक्ष्मी नारायण को स्थापन करते हैं लक्ष्मी की पूजा करते थे स्थापन करते हैं रोज गंगा पानी यमुना पानी ला कर ठाकुर जी को स्नान कर कराते हैं और सोने की कलश में भर करके और रोज़ मालपुआ रसमलाई लेडीगिन रस ये चखा चक ठाकुर जी को भोग लगाते हैं सोने की कटोरी में भोग लगाते हैं क्योंकि तो पैसा की जरूरत नहीं मन मन में जो सेवा करो ऐसे मानसिक रूप में सेवा करते 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 उनको इतने आविष्ट हो गए इतने आविष्ट हो गए एक दिन उन्होंने बड़े सुंदर मंदिर बनाए सोने के महल बनाए ठाकुर जी को स्थापन किया और बड़े सोने की कलश में गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सबका पानी लाए मानसिक रूप में लाए और ठाकुर को खूब दूध दही शहेद घी पंचामृत से खूब ठाकुर को स्नान कराया बोला आज ठाकुर को मैं खीर भोग लगाऊंगा मन मन में हे बढ़िया गैया क्या दूध मंगाए काजू खिशमिश और उसमें चीनी काजू डाल करके बढ़िया ठाकुर को घी डाल करके और चीनी नहीं मिश्री डाल करके मिश्री में विशेष टेस्ट होता है <coughs> मिश्री डाल करके और बंगाल का जो खजूर गुड़ होता है उसमें तो और आनंद आ जाता है और गुड़ बड़ा टेस्ट होता है डाल डुल करके ठाकुर को बोले सोने की कटोरी में भोग लगाए अभी सोने की कटोरी में दूध खीर रखा नियम क्या है एकदम गर्म गर्म ठाकुर को नहीं देनी चाहिए नहीं देनी जैसे हम लोग एकदम गर्म नहीं खा सकते ना अब विशेष करके जो कहते जो खीर है ना ठंडा में अच्छी लगती है खीर इसलिए नियम है सबसे पहले खीर बना कर धर दो सबसे पहले खीर बना करके धर दो नियम है इसलिए राधा रानी जब सखियों के साथ में खीर बनाते सबसे पहले और मिट्टी के पात्र में अगर खीर बने तो और स्वाद है इसमें विशेष स्वाद होता है उन्होंने बोले भी गर्म गर्म है ठाकुर को भोग कैसे लगाए कुछ नहीं मानसिक रूप में बोले थोड़ा अंगुल डाल कर देखता हूँ ठंडा ना गर्मी जो अंगुल डाले ना लेकिन अभी अभी तो उतारते एकदम गर्म था हाथ डाले तो हाथ फोपला पड़ गया लेकिन कुछ वहां पर है ही नहीं कुछ वहां पर है ही नहीं और उसको देखा उसको एकदम जो ध्यान में बैठे हुए थे ना देखा अंगुल पड़ा हुआ रोने लग गए क्योंकि उसमें अंगुली जल गया ना खीर में खीर अपवित्र हो गया फिर वो खीर ठाकुर जी को भोग नहीं लगनी चाहिए अपवित्र हो गया रो रहे आज ठाकुर को इतना सुंदर सिंहासन पंचामृत से स्नान कराया ठाकुर जी को हमने भोग नहीं लगा पाया क्यों ध्यान टूट गया अंगुल भी जल गए रो रहे हैं बैठ बैठ करके इतने में बैकुंठ में नारायण है बैठ ना ना बैठ कर मुस्कुरा रहे माँ लक्ष्मी थी बोले प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हो बोले कोई बात नहीं बोले नहीं बात तो कुछ होगा ऐसे थोड़ी मुस्कुराओगे मन मन में कुछ तो सोचते होंगे ना क्यों मुस्कुराए बोले उन्हें सारी बात सुनाए मरते जगत में मेरे भक्त कैसे मानस के रूप में मेरी सेवा कैसे कर रहे हैं और अंगुल जल गया बोले ऐसे ऐसे भक्त रहते बोले हाँ मेरे को ले चलो दिखाओ ऐसे भक्त ठाकुर जी गरुड़ ऊपर में लक्ष्मी को बैठाए और आए बोले देखे भक्तों से भक्त कैसे रो रहे फिर ठाकुर जी वो भक्तों को फिर गरुड़ को पर बैठा करे कहा ले गए अपना धाम में नितय गौर प्रेमानंदे हरी हरिओ फिर अपना धाम में ले गए ठाकुर जी इसलिए इसको कहते ही ये राग मार्ग में भक्ति है इसलिए लेकिन इसको कौन करेगा जिसको पास में सचमुच से कुछ है ही नहीं लेकिन हमारे पास में है ठाकुर ने दिया है हमें कुछ, तो क्या करो बढ़िया से ठाकुर भोग लगाओ ठाकुर के सेवा पूजा करो फिर भगवान का आशीर्वाद मिलता है इसलिए इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कहते जो राग मार्ग में भक्ति करने वाले है भाव मार्ग में उनको अर्चन मार्ग उनको प्रशस्त है कहते गृहस्थ भक्तगण अर्थ द्वारा श्रद्धा वो प्रीति सहित हरी सेवा पूजा करी बन लेकिन जो गृहस्थ भक्त है कभी इनका मन इतना शुद्ध नहीं होता है क्योंकि दिन भर अपना स्त्री पुत्र परिवार दुनिया में मन लगा रुआ रहा रहता है इसलिए उनका मन इतने भजन में पूरा नहीं लग ही नहीं जाएगा आँख बंद करते ही बेटा क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है नाती पोतनी क्या कर रहे हैं वो याद आएगा इसलिए उनको जो राग मार्ग में भाग मार्ग में भजन करना कठिन है इसलिए क्या बोले ठाकुर का अर्चना करो ठाकुर जी की अर्चना करो ठाकुर को पूजा करो ठाकुर को सेवा करो ठाकुर जी की आरती उतारो ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाओ ठाकुर जी के लिए उनके लिए है ठाकुर जी उनके लिए ये है इसलिए कहते हरी सेवा पूजा करीब ताते ही तादर मंगल है वे उसी से ही उनकी मंगल होगा ना करिया निष्किंचन भक्तवत केवल श्रवण कीर्तना वित्ठ अपराध है अगर ठाकुर जी किसको पैसा दिया है लेकिन किंतु ताहा ना करिए जैसे निष्किंचन भक्त लोग जिसको पास कुछ है ही नहीं दिन भर भगवान का स्मरण कीर्तन पूजा पाठ में मन लगा रहते अगर जिसको ठाकुर ने दिया और ठाकुर का सेवा पूजा नहीं करके अगर जो त्यागी संतों का अनुकरण कर ले जाए है कौन ठाकुर की इतना सेवा पूजा करेगा कौन भक्ति करेगा क्यों करेगा अगर ऐसे करते हो कहते तो उनको एक दोष लगता है वित्त साठ वित्त साठ मतलब पैसा है है उसको सठ मतलब पैसा को खर्चा नहीं करना जिसको कहते कंजूसी है जिसको कंजूसी कहते हैं इसलिए उनको इसमें अपराध लगता है सुतराम गृहस्थ भक्त व मठवासी भक्तगण श्रवण कीर्तन स्मरणादि करियाओ आओ कृपणताओ सठता पूर्वक अर्थ द्वारा हरि गुरु वैष्णव सेवा करीबेन बेन इसलिए क्या करनी चाहिए मटवासी भी हो और गृहस्थ भी हो कोई भी हो उनको क्या करनी चाहिए भगवान की कथा सुनो कीर्तन करो स्मरण करो लेकिन उसको साथ साथ में क्या करो जैसे तो भगवान का उत्सव आता है कोई गुरु वर्ग का तिथि आया राधा कृष्ण राधा रानी की जन्म तिथि आ गया जन्माष्टमी आ गया है हाँ, निषमी चतुर्दशी आ गया कोई तिथि आया तो उसमें क्या करो भगवान के लिए सुंदर फूल लाओ ठाकुर का जिस मंदिर में उत्सव होता है ठाकुर के लिए उत्सव होता है भक्त लोग आते हैं ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनता है फूल से श्रृंगार करते हैं कीर्तन होता है वैष्णव लोग आते हैं खूब नृत्य कीर्तन खूब हरी कथा होता है ठाकुर को बढ़िया चका चका ठाकुर जी को भोग लगता है और भक्त लोग प्रसाद को हाँ सेवा करते हैं इसलिए जथासाघ भगवान जैसे तुम्हें दिया है उसी हिसाब से हरि गुरु वैष्णव ये तीनों को हमें सेवा करनी चाहिए कारण सठता और किवरणता देख ले भगवान हरि अप्रसन्न हन अगर भगवान देखते हैं पैसा आ रहा है लेकिन पैसा को जोड़ते जा रहे हैं जोड़ते जा रहे हैं जोड़ते जा रहे हैं पैसा को भगवत सेवा भक्त ठाकुर के सेवा में नहीं लगा रहे हैं फिर इसमें क्या होता है जो भगवान है उसको देख करके खुश नहीं होते ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं ताते सि लाभ व्याघात है उसको क्या होगा सिद्धि लाभ में व्याघात होगा ऐसे ऐसे कुछ लोग कहते हैं अगर बहुत पैसा होगा ना खूब ठाकुर का सेवा करेंगे लेकिन हमने देखा जिसको पास जितना जिसे ज्यादा पैसा होता है ना उसको अंदर ज्यादा ही उसका आसक्ति ज्यादा ही आसक्ति होता है फिर पैसा को जोड़ते 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 जाते हैं हर जोड़ते 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 लास्ट में मर जाते हैं मर करके कैलाश जैसे सांप बन करके आया अर्थों पैसा गोबर में सांप बन कर बैठा रहता है नहीं तो कुत्ता बनकर घर घर में कुत्ते बनकर घर में रखवाली करेगा नहीं तो क्या करेगा फिर बैल बन करके उसको खेती करेगा बच्चे उसको खेती कराएंगे फिर क्योंकि पैसा छोड़ कर गया ना उसको तो आसक्ति है वो आसक्ति जन्म जन्मांतर उसको क्या करेगा फिर उसमें भ्रमण कराता रहेगा इसलिए हाँ इसलिए ताते सिद्धि है ना भगवान गौरांग देव गृहस्थ कर्त्तव्य सम्बन्धे कुलीनिवासी भक्तगण के बलिया श्री चैतन्य महाप्रभु जब कुलीनवासी जो गांव के भक्त लोग आते थे आकर के जगन्नाथ जी रथ यात्रा के बाद में वापस जाते थे जाते समय कुछ प्रश्न करते थे प्रभु अभी हमें क्या करनी चाहिए घर में जा कर के घर में क्या करनी चाहिए तब तो महाप्रभु कहते थे प्रभु कहे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन महाप्रभु बोलते थे देखो कृष्ण सेवा करो भगवान कृष्ण की सेवा करो और क्या करो वैष्णव का सेवा करो है और निरंतर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे प्रभु बोलते थे दुई कर शीघ्र भवे श्री कृष्ण चरण इसलिए भक्तों का सेवा करो ठाकुर का सेवा करो हरी नाम कीर्तन करो इसी से तुम्हारी कल्याण हो जाएगी महाप्रभु हैं आदेश देते थे और एक प्रश्न सुन लेते हैं किसने प्रश्न किया जीव का मंगल कैसे हो हम चाहते हैं हमारे जीवन में मंगल हो हैं जीवन में कल्याण हो मंगल हो किसी ने पूछा जीव का मंगल कैसे होगा तो प्रभुपाद कहते हैं भगवत ज्ञानेर अभाव अभावसत स्वतंत्रताई जीव के विपरण करे कद कर जीव का अमंगल क्यों होता है पूछा ना मंगल कैसे हो कद तो अमंगल क्यों होता है कद जीव का जो भगवत ज्ञान अभाव होता है भगवान के साथ में हमारे क्या संबंध है बोला संबंध अभिधय है प्रयोजन संबंध कृष्ण तत्व भगवान के साथ में संबंध अविध है मतलब उनका हम प्राप्त कैसे करेंगे प्रयोजन मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है क्य जब हमारे भगवत ज्ञान अभाव होता है फिर क्या होता है फिर जीव भगवान के भजन छोड़ करके माया में प्रवेश करता है क्यों उसको तो पता ही नहीं जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यता हम जो भगवान का नित्य सबक ये ज्ञान नहीं होने का नृत्य तो फिर क्या करेगा दिन भर शरीर को सजाएगा शरीर को खिलाएगा और शरीर संबंधी वस्तुओं को बिना बेटा स्त्री पुत्र परिवार उसी में ही मोह माया में जीव बड़ा रहेगा है।, है क्योंकि उसको संबंध ज्ञान नहीं भगवत ज्ञान नहीं भगवान कौन है हम कौन है कहाँ से आए हमारे क्या कर्तव्य है इसलिए बहिरंगा माया विमुख जीव के विषय विग्रह करिया तो ले भोक्ता अभिमान प्रमत करे लेकिन जो बहिरंगा माया क्या करती है जब जीव भगवान को भूल जाती है ये बहिरंगा माया उसको दो शरीर देता है एक आवरणात्मिक और बिकप आत्मिक मतलब पहले उसको शरीर को ढक देता है शरीर को ढक करके हैं फिर जीव को भुला देता है हम कौन है फिर विक्षेप आत्मिक मतलब कि ऊपर का जो शरीर दे करके ऐसे फेंकता है जीव को बाहर संसार में जीव आ गया पूछो उसको पूछो तुम कौन हो अमुक व्यक्ति से भूत है भूत लगे देखे किसी की नहीं देखे हो भूत को जब देखे उदाहरण दिया पिशाच छिपाई ले चर है जैसे किसी को भूत पकड़ने पर उसको पूछो भैया तुम कहाँ का, से आए हो हमारे श्रीकांत को पूछ लो सारी बात होता है <laughs> इसलिए उसको पूछो तुम तुम तु कहां से आए हो वो अपना परिचय नहीं देगा भले मैं अमुक स्थान पर था वो केस खोल करके जा रहा था और मैं उसको देख करके सद करके जा रही थी इसलिए हमने उसको पकड़ लिया भले निकलो भले उसको नहीं छोड़ूंगी मार करके जाऊंगी इसको ऐसे बोलते हैं ना इसको मैं मार करके जाऊंगी इसको छोड़ने वाले नहीं हाँ हाँ इसलिए भूत पकड़ता है इसलिए इसलिए भागवत में कथा आती है जो केस खोल करके वो सो गई थी दीती ने इतने पास प्रवेश कर गया इंद्र ने प्रवेश करके तो उसको पेट के बच्चे को खत्म कर दी इसलिए केस ने खोलना नहीं खोलना चाहिए नियम है खोल कर ही जाती है कलिजू आ गया ना इसलिए इसलिए कहते जैसे किसी को भूत पकड़ लेना जैसे भूत पकड़ने पर क्या होता है उसका बुद्धि एकदम विकृत कर देता है बुद्धि उसी तरह अभी हम लोगों को भी एक भूत पकड़ लिया है भूत पकड़ लिया तो बोले कि तेरा नाम किया बोले अमुख बोले तेरे पति कौन बोले अमुख तेरे बच्चे कौन बोले ये मेरे बच्चे बोले ये मेरे घर है हाँ मैं मेरा करके तेरे माया में फंस जाता है लेकिन जो शुद्ध जीव को पूछो भैया तुम कौन है बोले हम तो कृष्णदास है वैष्णव दास इसलिए जब हम नाम देते हैं ना क्या नाम थे? माधवी दासी दासी है श्याम सुंदर दास श्याम सुंदर मतलब कृष्ण का दास हमें कृष्ण का दास सब हम दास दास कहते हैं हम ठाकुर जी के दास यही हमारी असली परिचय है पहचान है इसलिए कहते बहिरंगा माया विमुख जीव के विश्व विग्रह करिया तोले ले भोक्ता अभिमान प्रमत करे इसलिए जीव जब माया में मुग्ध हो जाता है जीव असली परिचय भूल जाता है भूल कर क्या होता है उसको भोक्ता अभिमान करता है भोगने भोग करने वाले मैं भोक्ता मैं हूँ तखन से निज स्वरूप रे कथा भूलिया विरूप ग्रस्त तो है एवं माई अभिमाने अभिमान कष्ट पाए उस समय क्या करता है जीव अपना स्वरूप कथा भूल करके स्वयं भोक्ता अपनी आप को मानते भोग करने वाला मैं हूँ और माई अभिमान करके जीव जगत में दुख कष्ट को भोग करता है संसार भ्रमण करते जीव भाग्यक्रमे क्रमे भगवत कृपा भक्तर संग जखन भगवत सेवाय रुचि विशिष्ट हन तखन तो सही भाग्यवान जीव भगवत आश्रय ब्रह्म वस्तु श्री गुरुपाद पद में श्रद्धांत या तार सेवा क्रमे भजन राज्य प्रवेश करे भले जीव का कल्याण फिर कैसे होगा भले जीव काल से भगवान को भूल करके कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अनादि काल से जीव भगवान को भूल कर क्या करता है जीव ये संसार में भ्रमण करता है भ्रमण करते 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 जब उसकी सौभाग्य आता है और संसार का दुख कष्ट हमें भोगना नहीं संसार का दुख कष्ट खत्म हो गया है बोले तहीर अच्छुत सत्य समागम ठाकुर की इच्छा से उसको भक्तों का, का संग होता है जब भक्तों का संग होता है बोले निज तत्व आर संसार ना चाहे तो अपना तत्व को समझ लेता है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास कहते भैया और संसार नहीं चाहिए कैनबा भजन माया करे हाय हाय क्यों ये माया संसार में पड़े हुए थे हाय हाय करने लग जाते हैं कहाँ ये झूठा माया में हम पढ़ करके कहाँ इसमें दुख कष्ट भोग कर रहे थे हैं दुख कष्ट भोग कर रहे थे फिर वो जीव क्या करता है बोले भगवत अभिर्न जातीय ब्रह्म वस्तु श्री गुरुपाद पद में श्रद्धा है उसके बाद में जीव गुरु जी के शरण में जाते हैं फिर गुरु जी की चरणों को आश्रय करते हुए भगवान की दीक्षा मंत्र लेकर के फिर भगवान की भजन करते हैं और भजन कर भक्ति करते 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 फिर जीव क्या होता है फिर कृष्णा पाद पद्म पाए भगवान की चरण को जीव प्राप्त करता है सदगुरु चरणाश्रय पूर्वक साधु संग फल जीव जखन गुरुपाद पद्म के सकल मंगला कर जानिया आश्रय जातिया भगवत विग्रह बलिया अनुभव करते पारे तो ही तार सेवा प्रवृत्ति प्रबल है जब जीव सदगुरु चरण आश्रय ग्रहण करते हुए क्या होता है साधु का फल में जीव क्या करता है गुरुपाद पद्म के पद्म के सकल मंगल रे जानिया गुरुपाद पद्म कौन है जो हमारे वास्तव रूप में हमारे जीव को कल्याण करने वाले श्री गुरु जी है श्री गुरुपाद पद्म है इसलिए आश्रय जातीय भगवत अभिर्ण बोलिया गुरुदेव को शिष्य क्या समझनी चाहिए कहते ये आश्रय जातीय भगवान है ये आश्रय भगवान विषय जातीय भगवान और गुरुपात्म आश्रय जातीय भगवान से अभिर्ण जब ये चीज़ को अनुभूत करता है उसको क्या होता है उसके हृदय में फिर सेवा करने का प्रबल बुद्धि होता है सेवा करने की उसकी प्रबल इच्छा होता है तो गुरुपाद पद्म रूप स्रौत पद परित्याग कर ले बहिर्मुख जी गरीबी पद है इसलिए गुरुपाद पद्म कहते हैं किसको कहते ऐसे नहीं अपने आप कहीं निकल गए फिर जगत में ऐसे बहुत सारे गुरु देखोगे कहते जय गुरुदेव जिसमें भगवान भगवान कुछ नहीं ठाकुर भागुर कुछ नहीं गुरु जी स्वयं बैठ गए ठाकुर के आसन पर बोले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरु नगवान भगवान भगवान कुछ नहीं गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही महेश अगर गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए फिर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहाँ जाएंगे आप बताओ फिर अगर गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश फिर ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाएंगे उनको फिर क्या गति होगी इसलिए हमारे भक्ति जीवन में श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज इसको व्याख्या करते थे बोले देखो ये शास्त्र का ही श्लोक है है गुरु ब्रह्मा बोले गुरु जी को ब्रह्मा क्यों मानते हैं ब्रह्मा का काम सृष्टि करना है गुरुदेव क्या कहते हैं हमको हरी कथा सुनाते हैं हरी कथा सुना सुना करके हमारे हृदय में भगवान की जो सेवा की जो भावना प्रकाश करते हैं है? सेवा को भावना कौन प्रकाश करने वाले गुरुदेव है इसलिए गुरु जी को ब्रह्मा का काम बताया हृदय में कृष्ण भक्ति बीज को बोते हैं ए गुरु विष्णु विष्णु का क्या किया काम बोले पालन करना बोले गुरुदेव हमें क्या करते हैं भक्ति जगत में तो आए लेकिन जब तक भक्तों का संग नहीं करेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे आगे तो नहीं बढ़ सकते गुरुदेव क्या करते हमें भगवान की कथा ठाकुर जी कथा को सुना 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 करके भक्ति को आगे धीरे धीरे हमें बढ़ाते हैं नहीं? कहते गुरुदेव महेश्वर शंकर क्या काम संहार करना पर गुरुदेव क्या कहते अगर हम कहीं गलत रास्ता पर जाते हैं गुरुदेव हमें शासन करते नहीं ये काम गलत काम एक का, गलत गलत काम रास्ता में तुम्हें नहीं जानी चाहिए इसलिए इसको शासन करके गलत रास्ता से उसको बचाते है इसलिए गुरुदेव क्या है महेश्वर इसलिए गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्म गुरुदेव कौन है भगवान से अभीर होने का वजह से कितना साक्षात हरित्वी न समस्त शास्त्री समस्त शास्त्र गुरुदेव को भगवान स्वरूप माने बोले किया है बोले किंतु प्रभुर जिय है ये भगवान के अत्यंत प्रिय होने का नाते गुरुदेव को भगवत विग्रह मानी गई है इसलिए क्या करनी चाहिए हमें स्रोत पंथ को हमें आश्रय करनी स्रोत पंथ मतलब क्या है जो गुरु परंपरा के द्वारा जैसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया ब्रह्मा जी नारद नारद ब्यास श्री फिर मध्वाचार्य करते, करते 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 ये ज्ञान हमें यहाँ तक लाया इसलिए ये स्रोत परंपरा में ग्रहण करना चाहिए फिर क्या होता है फिर सब परित्याग कर ले जीवर बहि को विपद है अगर ये रास्ता को अगर परित्याग करता है तो जीव का फिर अमंगल होगा उनको पता ही नहीं चलेगा असली वस्तु तो क्या है जगत में जैसे कुछ लोग नए लोग निकल करके अपना मनमानी ढंग से जो इच्छा सो बोलते हैं जो इच्छा सो करते हैं उसको द्वारा जीव का कल्याण नहीं भाग्यक्रम में जे सब जीव ब्रजेंद्र नंदन ने प्रियतम गुरुदेव श्री पाद में आश्रय सौभाग्य पाए ताराय शुद्ध भक्ति लाभ करिया माया हाथ तो मिश्रित कर पाए मतलब माया से निष्कृत कौन पा सकता है माया से उधार कौन हो सकता है मतलब सभी नहीं हो सकता है अगर भाग्य क्रमे से इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव ब्राह्मण करते करते किसी भाग्यवान जीव को जिसको भक्ति उन्मुखे सुकृत उदय हुआ है हैं कहते ये जो ब्रजेंद्रनंदन भगवान कृष्ण के जो अत्यंत प्रियतम श्री गुरुपाद पद्म आश्रय सौभाग्य है इसलिए ऐसे ऐसे गुरु नहीं जो भगवान भगवान को माने नहीं ठाकुर ठाकुर को माने नहीं खुद को भगवान मानने लग जाए खुद को भगवान कहते ऐसे नहीं भले कृष्ण का जो अत्यंत जो प्रिय है कौन है जो गुरुपाद पद्म है उनका जो आश्रय ग्रहण करता है तभी उसको शुद्ध भक्ति लाभ होगा नहीं तो शुद्ध भक्ति उसको नहीं मिलेगा उसको शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगा अगर सही सौ स्रौत पंथ में आएगा तो फिर उसको भगवत सख्यात बलदेव प्रभु देखो कौन है कृष्ण से है केवल उनका रंग भी विपरीत तो। सख्यात विष्णु भगवान है लेकिन मान करके वो अपने आप को क्या कहते है? हैं कृष्ण का सेवक मानते हैं हम भगवान के सेवक दस शरीर पंच रस से ठाकुर को सेवा करते हैं इसलिए तभी वो माया से निष्कृत मिलेगा अगर कोई सदगुरु चरण आश्रय ग्रहण करेगा तो गुरुपाद पद में अपराध घटिले जड़ा भिन्न आसिया जीव के श्रेय पथ है तो चुत करिया आपात मधुर भोग पथ त्यागपथ विचरण कराए कब कर गुरु जी के चरण में अपराध अगर हो जाए तो क्या होता है कभी जड़ अभिनिवेश आकर के जीव को जो श्रेष्ठ पथ है उससे चुत कर करके कहते हैं कुछ ऐसे है लोग है ना आपात मधुर समस्या में थोड़ी समय के लिए मीठी मीठी बात अरे इतने सवेरे उठने का क्या जरूरत सवेरे सोने का समय होता है मस्ती से सो है खाओ पियो रात एक दो बजे टीवी देखो आराम से टीवी देख कर सवेरे सोते रहो अरे क्या जरूरत है तो इतना न दस बजे उठो ना अरे सब मालत करने का क्या जरूरत दिन भर अरे इतना लंबा तिल क्यों लगाओ है एक फोटा लगा दो हो जाएगा इसलिए कुछ ऐसे लोग है ना लोग है क्या करते हैं हाँ अरे इतना ऐसा नियम कानून पालन करने का क्या, क्या जैसे इच्छा हो एक दो माला कर लिया नहीं तो कोई बात नहीं दिन भर टीवी देखो मास्टर जीव को कहते ये आपात मधुर भोगपत है लोग ले जाने वाले लोग बहुत है जीव को जो भोग मार्ग में ले जाने वाले जीव जगत में बहुत है इसलिए अगर सही सही गुरुपात पद्मा आश्रय नहीं कर तो ये वस्तु तो हमें माया में हमें ले जाएगा इसलिए तजन्य भाग्यवान सज्जनगण श्री गुरुदेव अनुगत्य नित्यकाल भगवत सेवा निजुक्त था तो प्रयो विचार तादर आर रुचिकर है ना और भाला लागे ना हाँ देखो क्या कह रहे हैं अच्छी तरह सुनो इसलिए इसलिए जो भाग्यवान जीव है हैं वो क्या करते हैं वास्तव रूप में गुरुदेव का अनुगत नित्यकाल करते हुए भगवत सेवा में निजुक्त रहते हैं लेकिन उनका जो आपात मधुर है प्रेय एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय श्रेय मतलब क्या है प्रे मतलब क्या होता है बोले श्रेय मतलब होता है अभी जिसको देखने के लिए कठिन लगता है जैसे सवेरे आप लोग उठे हो सभी अभी नींद में सब झूम रहे हो नींद में झूम रहे ना सबके सब क्यों जल्दी जल्दी उठ गए हो नींद नहीं आए जल्दी जल्दी उठे नाथ हो ठाकुर का आरती कीर्तन किया की है जल्दी जल्दी उठे इसलिए शरीर को तो नीति चाहिए ना है इसलिए लेकिन किस लिए जल्दी उठे नहीं जल्दी उठकर कर ठाकुर आरती करेंगे हानि करेंगे तिल करेंगे हरिनाम करेंगे तुलसी परिक्रमा करेंगे लेकिन उद्देश्य क्या ठाकुर की सेवा है ये ठाकुर की सेवा है इसलिए तो जल्दी जल्दी उठे ना लेकिन ऊपर से इसको कहते हैं श्रेय श्रेय मतलब होता है जो अभी कष्ट कर लगता है अभी तो हमें कष्ट लग रहा है लेकिन भविष्य में इसका फल किया है ठाकुर को जो इतने समय से उठ कर हरिनाम तिल्ल कंठी माला कर भजन कर फिर कथा सुन रहे हो इसको फल क्या है भगवत चार प्राप्ति ठाकुर तो देख रहे ना देखो मेरे लिए सवेरे सवेरे उठा सोया नहीं ठीक से हैं खाया नहीं ठीक से रात को सोया लेट तो में सवेरे सवेरे जल्दी उठ गए ठाकुर ये सब चीज़ देख रहे कि नहीं इसलिए हमारे विश्वनाथ चंद्र ठाकुर केहेते जीव जब भगवान के पास में जाता है ना भगवान उसको सब याद कराते बोले देख बैठा तो ये मत समझो मैं कुछ देख नहीं रहा था सब देख रहा था तेरे पीछे खड़े होकर सब मैं चीज़ देख रहा था जो शादी विवाह में गए सब लोग मस्ती ले रहे मांस मछली खा रहे प्याज लहसुन लेकिन मेरे भक्त क्या करता है थोड़ा दही वाला खा करके पेट भर लेता है लेकिन सब लोग क्या करें ए शराब पी रहे नाच रहे डिस्को डांस कर रहे हैं, हैं? और मांस मछली और प्याज लहसुन खा कर पूरा धुन उड़ा रहे हैं? हैं पूरा लेकिन भक्त क्या करता है वो अपना जिसमें प्याज लहसुन नहीं होगा खा लिया पेट भर गया भगवान के देखो मैं सारी चीज को देख रहा था तेरे पीछे खड़े होकर तुम मेरे लिए कितने कष्ट कर रहा था इसलिए आज तभी तो मेरे पास में आए इसलिए कहते तो पथ दो है एक श्रेय है और एक प्रेय है जो श्रेय है जो अभी कष्ट लग रहा है लेकिन इसका परिणाम बढ़िया है ठाकुर का आचरण और भैया प्रे, प्रेय किसको कहते हैं लेकिन अभी तो बढ़िया लग रहा है हैं? अरे सो करके नौ दस बजे उठे मस्ती से कोई चिंता ही नहीं भजन भजन से कोई मतलब नहीं टीवी देख रहे हो तो देख रहे हो हाँ गप्पे मार, तो मार रहे हो तो गप्पे मार रहे हो दुनियादारी की बैठी करके मैंने इतना बड़ा सांप देखा हमने इतना बड़ा सांप देखा था तो मैंने इतना भूत अरे मैं भी देखा था भूत हाँ इसीलिए दुनियादारी की बात में देखने के लिए लगता है तो भाई प्रिया जीवन आनंद में जा रहे खा पी रहे मस्त लेकिन परिणाम क्या है अत्यंत भयानक परिणाम है भगवान दो बार मानव जन्म नहीं देंगे बोले ये खा पी कर जीवन बिताए ना वही पेड़ पोता गोए तो कर जा खूब खा पियो खूब घूमो मानव में कितना खाया था हाथी बना देता हूँ खूब जंगल में घूमो खाओ जितने खाओ है खाओ सोना चाह रहा था ना जाता हाँ इसलिए तेरे को भालू बना देते जाओ भालू बनकर सोते रह तू जितना सोना उतना सा है इसलिए फिर भगवान मानव शरीर उसको नहीं देते है फिर चौरासी लोग जीवन में फिर भटकते रहो इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भक्ति जगत में लगता है तो कठिन है कितना कष्ट नहीं करने से कृष्ण नहीं मिलते हैं कष्ट नहीं करने से कृष्ण संसार में देखो कितना कष्ट कर रहे हैं। कितना कष्ट कर रहे हैं कि व्यक्ति दस घंटा बारह घंटा काम करेगा सवेरे उठ करके जा करके फिर घर वापस आते ही फिर पत्नी का गाली है इतना लेट कर दिया बच्चों को पढ़ाई कर पढ़ाए नहीं पेपर आ रहे हैं घर में ये नहीं ये फिर भैया गया भागने के लिए भाग के, के फिर आते घर में ये काम नहीं फिर करता है कि नहीं लेकिन दुनिया के लिए तो कर लेता है लेकिन भगवान के लिए करने के लिए कष्ट लगता है, है इसलिए प्रभुवाद कहते हैं <coughs> फिर उसको जब उसको भक्ति में रुचि हो जाता है ना फिर ये चीज उसको अच्छी नहीं लगती अगर बैठ करके दुनियादारी इधर उधर की बात करे बोले फिर तुमको बिरत क्यूँ समय को क्यूँ बर्बाद कर रहे हो हरिनाम करो माला करो है क्यों बेकार बात में क्यों बेकार भगवा से क्यों कर रहे हैं है? कोई अगर गलत काम करेगा उनको डांट लगाएंगे क्यों ये सब काम कर रहे भैया समय हो तो भगवान भजन करो भक्ति करो फिर उसको ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती है इसको चीज़ अच्छी एकदम विरक्त लगती है दुनिया की कोई बात करेगा तो उसको विरक्त लगेगा हाँ भजन करो हरिनाम करो कीर्तन करो ठीक है ना इसलिए प्रभुपाद कहते हैं और वो सब चीज़ अच्छी नहीं लगती अच्छी क्या लगती है प्रभु का भजन प्रभु की कथा प्रभु की कीर्तन उसी में ही उनका आनंद लगता है अगर ऐसा अगर किसी को हो गया ना जीवन धन्य तुम्हारी बस जीवन तुम्हारी धन्य हो गया है तुम्हारी क्यों भगवान के चरण में तुम्हारी रुचि हो गई बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि कृपा वर्मा तिथि ये बोल रही बंद <laughs> कर <laughs>